हे दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने 1 मिनट वीडियोस का एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करा है, स्पेशली अपने न्यू इंस्टाग्राम पेज आई एम सीकेन के लिए, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ और जिसमें मैं काफी एक्टिव हूँ। नाउ मेन बात यह है कि उसके लिए ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा हिट हो गया फेसबुक पे। वीडियो एक बड़ा सा सार्केज्म था जिसमें मैं आपको ऐसी 7 हैबिट्स बता रहा था जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो, जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं करना है तो। अब वो वीडियो वैसे तो काफी लोगों को पसंद आया, बट कुछ लोगों को वो वीडियो काफी कंफ्यूजिंग लगा, बिकॉज एक हैबिट में मैं इनडायरेक्टली बोल रहा था कि आप परफेक्ट बनने के पीछे मत जाओ, जो बहुत से लोगों के एकदम गलत लगी। और ऊपर से उन्हीं 7 में से एक और हैबिट में मैंने ये भी बोला इनडायरेक्टली कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मत बनो। मतलब अगेन इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा था कि किसी एक चीज के मास्टर बनो। नाउ ये दोनों पॉइंट सुनने के बाद बहुत से लोग परेशान हो गए, कुछ तो एग्रेसिव हो गए कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अपोजिट बातें क्यों बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ कईयों ने रिक्वेस्ट करी कि मैं उसी टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं, सो आज मैं वही सब करूंगा, कंफ्यूजन क्लियर करने से लेके उन्हीं सारी हैबिट्स को डिस्कस करने तक सब। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1 जो आपको करनी चाहिए अगर आपको आपकी लाइफ बर्बाद करनी है तो वो है फर्स्ट वॉच टीवी। एक आदमी टीवी चालू करता है और देखता है एक चौंका देने वाली न्यूज कि कैसे एक 112 साल की औरत बोल रही है कि उनकी इतनी लंबी जिंदगी का राज है सिगरेट पीना, वो भी एक दिन में 30 सिगरेट पीना। अब वो आदमी वैसे तो ट्राई कर रहा था कि स्मोकिंग छोड़ दे, लेकिन ये न्यूज देखने के बाद उसका इमोशनल ब्रेन कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो ये बोल के वापस सिगरेट पीना चालू कर देता है कि अरे एक बुढ़ी औरत दिन के 30 सिगरेट पी के 112 साल जी सकती है तो मैं क्यों नहीं। वेल, ये एक रेयर एग्जाम्पल है एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट का जो हम सबके साथ होता है यूजुअली टीवी जैसी चीजों से इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से, जिसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस, जो काफी अच्छे से एक नोबेल प्राइज विनर ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक में कवर करा है। अवेलेबिलिटी बायस मतलब उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेना जो हमें पता चली लेकिन जो नॉर्मली एकदम सही नहीं होती। एग्जाम्पल, एक एरोप्लेन क्रैश न्यूज पे देखने के बाद ये डिसाइड करना कि कार से जाना बेटर होगा ट्रिप पे, बिना ये बात समझे कि कार से एक इंसान के मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू प्लेन। देखो, टीवी यूजुअली उन स्टोरीज को ही कवर करती है जो रेयर होती है, और ये रेयर स्टोरीज कई बार हमारे डिसीजन पे इम्पैक्ट करता है कई गलत तरीके से। और सबसे बुरी बात यह है कि ये फिर भी काफी छोटी चीज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कई स्कॉलर्स टीवी का नाम टेलीविजन नहीं बल्कि टेल अ लाइव विजन होना चाहिए था, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के लिए वो एक ऐसा डब्बा है जो बस उनके दिमाग में झूठ, गलत बातें, प्रोपोगंडास और कचरा भरता रहता है, जिससे लोग ब्रेन वॉश होकर वो चीजें मानने लगते हैं जो कई बार सच तक नहीं होती। इनफैक्ट एक सर्वे बताता है कि 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग को कम करता है, जो फिर एक इंसान के सक्सेसफुल बनने के चांस को 80% तक कम कर सकता है। एग्जाम्पल, आपने कभी नोटिस किया है कि टीवी पे आपको कभी भी लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस जैसी चीजों के एड्स नहीं दिखेंगे? क्यों? बिकॉज ये फैक्ट है कि मैक्सिमम लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो हार्डली कभी भी टीवी देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई आम लोग दिन भर आपको टीवी देखते मिल जाएंगे। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हैबिट नंबर 6 में मैं आपके साथ कवर करूंगा, बट उससे पहले देखते हैं हैबिट नंबर 2 टू वेस्ट योर लाइफ, जो है ऑलवेज से यस। फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले एक सेफ्टी अनाउंसमेंट होती है जिसमें बोला जाता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो और ऑक्सीजन मास्क यूज करने की नौबत आए तो पहले आप अपने मुंह पे मास्क लगाएं, उसके बाद ही दूसरों की हेल्प करें। क्यों? बिकॉज अगर आप पहले ही दूसरों की हेल्प करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि अचानक ऑक्सीजन कम होने की वजह से आप खुद बेहोश हो जाओगे, जिससे दूसरों की मदद क्या आप अपनी मदद भी नहीं कर पाओगे। नो मोर मिस्टर नाइस गाय इस बुक में ऑथर कुछ ऐसे ही लेसन सिखाते हैं, ये बोल के कि नाइस गाय बनना बंद करो, बुरे मत बनो लेकिन ऐसे इंसान भी मत बनो जो दूसरों को अच्छा फील कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि एक लड़का बहुत नाइस होता है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से बात करता है, फिर भी उसके साथ यूजुअली कभी कुछ अच्छा नहीं होता, लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं, लड़कियां उसे ज्यादा भाव नहीं देती, और देती भी है तो बस ऐसा फ्रेंड या भाई। क्यों? वेल, ये सब कई बार होता है बिकॉज यूजुअली जो अट्रैक्टिव अल्फा मेल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो अपने गोल्स को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जैसे कि फिर वो दूसरों को भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, जबकि एक नाइस गाय अच्छा बनने के चक्कर में, दूसरों को अच्छा फील कराने के चक्कर में अपनी खुद की वैल्यू नहीं करता, उसे लगता है कि वो लोगों के लिए कुछ करेगा तो ही वो लवेबल बनेगा, इसीलिए वो हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाता है, कोई कैसी भी रिक्वेस्ट लेके आए अनइम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट करने वाली वो उसे भी हाँ बोल के करता है आउट ऑफ द वे जाके, इवन कई बार अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के, जो उसे नाइस गाय तो बना देता है बट एक अल्फा मेल नहीं बनाता जिसे एक्चुअल में सब कुछ मिलता है जो उसे लाइफ में चाहिए। इसीलिए इस बुक के रेफरेंस से ही मैंने कहा था कि हमेशा यस बोलना सही नहीं होता। नंबर 3, वरी। 500 साल पहले
माइकल डी मोंटैग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स ने मुझे बहुत परेशान किया, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कभी रियल लाइफ में मेरे साथ हुई तक नहीं। एक रिसर्च बताती है कि 85% टाइम इंसान जब किसी चीज की फिक्र करता है जो उसे लगता है कि हो सकती है, वो कभी रियल में नहीं होती। और 15% चीजें जो होती भी है, उसमें से 79% चीजें लोगों की फिक्र से बहुत छोटी होती है। नौ ऐसी कई अमेजिंग बातें ऑथर डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में बताते हैं। वो बताते हैं इस बुक में कि कैसे वरी करना लोगों का हद से ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, एक रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज इंसान अराउंड 13 घंटे तक पर वीक बर्बाद कर सकता है फालतू की फिकर, टेंशन, स्ट्रेस लेके, जो टाइम वेस्ट करने के साथ साथ लोगों की प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और इवन हेल्थ खराब करता है। बिकॉज रिसर्च बताती है कि कई दिल की, पेट की बीमारियों से लेके कई तरह के पैरालिसिस तक जो लोगों को होते हैं, वो और कुछ नहीं बस बहुत ज्यादा वरी करने की वजह से होते हैं, बहुत फिकर करने की वजह से होते हैं। इसीलिए इस बुक से इंस्पायर होकर मैंने कहा था स्टॉप वरिंग। नंबर 4, मल्टीटास्क। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं जो चाहे वो सब एक साथ बन सकता हूँ। मतलब मैं सोचता था कि मैं एक ग्रेट डांसर प्लस एक ग्रेट मैजिशियन बनूंगा, जिसको बीटबॉक्सिंग आती होगी, डीजे करना आता होगा और ऐसी 2-3 और स्किल्स आती होगी। मतलब मैं तो लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट में जाऊंगा तो पक्का जीत ही जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। बट हुआ क्या, मैंने सब करने की कोशिश करी, कभी कोई एक चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करा, जिसकी वजह से मैं किसी में भी ग्रेट नहीं बना। देखो, मेरे जैसे ही कई लोग होते हैं जो कभी किसी एक चीज पे अच्छे से फोकस नहीं करते और 10 चीजों पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाते हैं बट मास्टर ऑफ नन बनते हैं, जो कई बार सही नहीं होता। एग्जाम्पल, इमेजिन करो अगर बिल गेट्स कोडिंग करते करते माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते करते बोलते कि अरे ये तो मैं अच्छे से कर ही रहा हूं, चलो मैं 2-3 चीजें और करता हूं जिसमें मैं अच्छा हूं, तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट को इतना ग्रेट बना पाते, वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान बन पाते इतने सालों तक? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए 4th हैबिट में मैंने कहा मल्टीटास्क करो, कभी भी अपना फोकस नैरो मत रखो बल्कि डिस्ट्रैक्टेड रखो, क्योंकि इससे आप कभी भी कोई चीज के मास्टर नहीं बन पाओगे। हैबिट नंबर 5, परफेक्शन। अब क्योंकि मैंने कहा पिछले हैबिट में दैट आपको एटलीस्ट एक चीज में तो मास्टर बनना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर बनने के लिए आपको परफेक्शनिस्ट ही बनना होगा। एग्जाम्पल, 2004 में एरिक रईस चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे एक ग्रेट न्यू स्टार्टअप के, जिसका नाम था IMVU। IMVU का मिशन ये था कि वो यूजर्स का एक 3D अवतार बनाएंगे, जिसका यूज करके लोग अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बनाए फ्रेंड्स के साथ बात कर सकेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मैसेजेस यूज करने के। नाउ ये आइडिया बनाया गया था उस टाइम के 2 बहुत ग्रेट आइडियाज को मिला के, जो था 3D गेमिंग प्लस इंस्टेंट मैसेजिंग। देखो, आइडिया ग्रेट था जो सबको लगा बहुत चलेगा, इसीलिए उन लोगों ने पूरे जोश से काम करना स्टार्ट कर दिया। 6 महीने लगातार काम करा, काफी पैसे लगाए और हर चीज एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करी। लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्टली करने के बाद भी जब उन्होंने फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च करा तो अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट जरा भी नहीं चला, कोई उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था, लोगों को उनका प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था। इसीलिए ही इस गलती से सीख कर लीन स्टार्टअप के ऑथर एरिक रईस बोलते हैं कि बेटर होता अगर वो एक इम्परफेक्ट ही सही लेकिन एक छोटा सा प्रोटोटाइप या MVP, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लेते, उसे ही लॉन्च करते पहले और फिर प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाते धीरे धीरे यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो, परफेक्शनिस्ट बनना अच्छा हो सकता है बट मैक्सिमम टाइम वो मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में कोई चीज फॉर श्योर अच्छी है तो वो है बस जल्द से जल्द एक्शंस लेना, जबकि परफेक्शनिस्ट बनना कई बार लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही करने नहीं देता। एग्जाम्पल, कई लोग चीजें परफेक्टली करने के चक्कर में 1 महीने के चीज के लिए 1 साल ले लेते हैं, और कुछ तो परफेक्टली करने के चक्कर में कभी अपना काम खत्म ही नहीं कर पाते, जबकि दूसरी तरफ और कोई इंसान उनका सेम आइडिया लेस परफेक्टली करके उनसे आगे निकल जाता है। इसलिए ही मैंने सार्केज्म के साथ कहा कि परफेक्शनिस्ट बनो। नंबर 6, सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया और इवन TV अच्छा है या बुरा ये हम हमेशा नहीं बोल सकते, बिकॉज ये दोनों तो बस एक टूल है जिसका यूज आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक माचिस का डब्बा दूं और उससे आप अपना घर जला लो या सिगरेट जला के पीने लगो, तो वो माचिस का डब्बा आपके लिए अच्छा नहीं है। बट अगर आप वही माचिस से गैस जलाते हो, खाना बनाने के लिए उसे यूज करते हो, ठंडी में आग जलाने के लिए यूज करते हो ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे, तो वो आपके लिए अच्छी होगी। सिमिलरली सोशल मीडिया, TV, ये सब एक टूल है जिसका अच्छा या बुरा यूज करना आपके हाथ में है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि तुम भी तो सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो दूसरों को क्यों मना कर रहे हो? तो देखो, 2 बात है। फर्स्ट, मैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए इन टूल्स का ज्यादा यूज कर रहा हूँ, बजाय बस मैक्सिमम लोगों की तरह फालतू कंटेंट देख के टाइम वेस्ट करने के। और सेकंड, मैं इन टूल्स का यूज करके बहुत सी पॉजिटिव चीजें देखता हूँ, ऐसी चीजें देखता हूँ जो मुझे इम्प्रूव करे,
कुछ अच्छी बात सिखाए जो एट द एंड मुझे मेरे गोल्स को पूरा करने में हेल्प करे। सो सिमिलरली अगर आप भी ये दोनों चीज करते हो तो यस, सोशल मीडिया आपके लिए बुरा नहीं है, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पक्का वो आपके लिए बस एक टाइम वेस्ट है। नाउ सेवेंथ हैबिट क्या है, ये मैंने यहाँ नहीं शेयर करा है, बट वो आप मेरे न्यू इंस्टाग्राम पेज आई एम सीकेन पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां मैं ट्यूसडे को एक लाइव Q&A भी करने वाला हूँ, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी, तो वहाँ आप मुझको मैसेज करके पूछ लो। मैं वहाँ लाइव्स करके, न्यू स्मॉल वीडियोस बना के या मैसेज पे ही रिप्लाई करके जितने हो सके उतने आंसर्स देने का ट्राई करूंगा, और ये चीजें मैं वहाँ रेगुलरली करते ही रहूंगा क्योंकि मैं वो पर्सनली अकाउंट यूज कर रहा हूँ। सो वहाँ मुझसे जरूर कनेक्ट करो। नाउ टू एंड, ये बातें मैंने आपको कई अलग अलग बुक से बताई है, लाइक ईट द फ्रॉग, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, नो मो मिस्टर नाइस गाय, द वन थिंग, जिसमें से अगर कोई भी दो फ्री ऑडियो बुक अगर आपको चाहिए तो वो आप seeken.org/passion से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक Amazon कंपनी है जो आपको एक महीने का फ्री ट्रायल देगी और फिर उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।